वाओ, सीरियसली एक ही शब्द है मेरे पास, वाओ। अभी से ठीक 12 घंटे पहले इस सफ़र की शुरुआत हुई थी और 12 घंटे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वो एक ओवररेटेड डेस्टिनेशन है, लेकिन सिर्फ इन 12 घंटों ने मेरी इस थ्योरी को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है। तो चलिए फटाफट आपको ले करके मैं यहाँ तक आता हूँ, लेकिन उसके पहले कहानी को ज़रा शुरू से शुरू करते हैं। Hi guys, good morning. Welcome back to another episode of Desi Tourist. एक नए देश जा रहा हूँ एक नई एयरलाइन में और आज इस एयरलाइन का पहला दिन है। So this is the inaugural flight of this airline called Maldivian Airline. All right, so this is the first flight of Maldivian Airline and I am the first passenger to board this flight. Wow, so much delighted and glad to be part of this. बहुत मजा आने वाला है और इस सीरीज से बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे। ऐसी कंट्री जा रहा हूँ और अच्छे एयरलाइन में जा रहा हूँ, सो लेट्स सी हाउ इट अनरेवल्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। टैक्सी स्टार्ट हो गई है, फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ। ओके, नाउ कमिंग टू द एयरलाइन। ये 4 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है दिल्ली से मालदीव्स के बीच। एयरक्राफ्ट है एयरबस 320 जिसमें बिजनेस क्लास और इकोनॉमी दोनों है। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट तो नहीं है पर फूड इंक्लूडेड है। बट सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस फ्लाइट्स की टाइमिंग्स, जो कि माले से स्पीड बोट या सी प्लेन की कनेक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और राइट, सो खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया और जब आँख खुली अनाउंसमेंट हो गई और आधे घंटे में पहुँचने वाले हैं। ऑफिशियली मालदीव्स पहुंच गए हैं। अभी जो प्लान है वो ये है कि सी प्लेन लेकर के अपने रिजॉर्ट पे जाना है, बट उसके पहले जो प्लान है वो थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का है। सामने गाड़ियां जो है वो वेट कर रही हैं। मैंने सोचा मैं आपको क्विकली थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। वाइब बहुत कमाल की है, बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने जो पानी का कलर है ना वो भी आप देख सकते हो, मतलब आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट। एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है और बहुत क्यूट सा है। मुझे छोटे एयरपोर्ट्स बहुत पसंद है क्योंकि आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है और सब कुछ फटाफट हो जाता है। इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। सो पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, RT-PCR, बस ये देखा। एक इमुगा फॉर्म है वो ऑनलाइन फिलअप किया था लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, यहाँ पर किसी ने पूछा नहीं उसके बारे में। सो फटाक से सामान आया और तुरंत निकल कर बाहर आ गए। एक मिनट की दूरी पर ये मालदीव्स का जो साइन देख रहे हैं आप एयरपोर्ट से, बस सिर्फ एक मिनट की वॉक पर है। तो ये है वो एयरलाइन जो मालदीव्स में सी प्लेन ट्रांसफर्स ऑपरेट करती है। प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, इनके काउंटर पे बैगेज चेक इन हुआ, फिर एक बोर्डिंग पास मिला और साथ में मिला एक हाइजीन किट, और उसके बाद 5-7 मिनट की एक छोटी सी बस राइड मेन एयरपोर्ट से सी प्लेन पोर्ट तक। मैं कभी नहीं चढ़ा हूँ सी प्लेन में, फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, दैट्स हर कैप्टन। हेलो, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी लाइफ वेस्ट स्टैंड अंडरनीथ योर सीट ऑफ स्टैंडर्ड एयरलाइन टाइप एंड प्लीज मेक श्योर योर सीट बेल्ट्स आर फास्टेड एट ऑल टाइम एंड वन मोर क्वेश्चन, वेयर इज एयर How are you feeling? Oh, it's amazing. Awesome! It's so beautiful. Having a great time. Lovely experience. One must come. It's a beautiful place, and luckily the weather is very good here.
सो वी हैव रीच्ड फाइनली, और अगर इस तेज आवाज़ में भी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, सॉरी अगर इस तेज हवा में भी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये जो महंगा माइक खरीदा मैंने उसके पैसे वसूल हो गए। लवली वेदर, सुपर अमेजिंग, वाओ, दिस लुक्स स्टनिंग एक्चुअली, वाओ, वेलकम टू मालदीव्स, दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। कमरे में पहुंच गए और ये कमरा है, कमरा मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। दिस इज़ पुलकित, कहाँ दिख रहा है मेरे को कैमरा, हाँ ये रहा, दिस इज़ पुलकित। पुलकित मेरे साथ ये रूम शेयर कर रहा है और हम लोग जो ट्रिप में आए हैं कुछ लोग, उनमें से एक पुलकित भी है। सो ही इज़ बेसिकली फ्रॉम दैट कंपनी हु इज़ एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस ट्रिप, तो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बंदे के साथ, तो कुछ भी होगा ना भसड़ तो मैं इसको पकड़ सकता हूँ, ठीक है। सो ही इज़ द गाय हू विल बी देयर विद मी। एक्चुअली इसमें दो कमरे हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, या प्लीज़ कम। लगेज लेकर के अभी भी हमारा लगेज आ ही रहा है। सो यहाँ पर ये दिस इज़ अ टू बेडरूम विला, या जो भी कह सकते हो आप, तो एक बेडरूम ये है, ऊपर भी एक बेडरूम है, और मैं आपको पूरा विला और ये सब कुछ तो आपको आराम से दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मॉल्डीव्स आकर के मुझे इतनी खुशी होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत ओवर रेटेड डेस्टिनेशन था और मुझे लगता था कि मॉल्डीव्स आकर के कभी कोई मज़ा नहीं आएगा। बाय द वे आपको ये भी दिख रहा होगा पीछे एक पूल है। सो बेसिकली हर हमारा तो फिर भी एक ऊपर है कमरा कैटेगरी वाइज, बट जो बेसिक कैटेगरी है वन बेडरूम विला, उसके अंदर भी उनका प्राइवेट पूल है, 4 फुट गहराई है इसकी, सो ठीक ठाक स्विमिंग हो सकता है इसके अंदर। उधर दूसरे कमरे हैं, इधर भी दूसरे कमरे हैं, और बिल्कुल सामने जो यहाँ पर है वो बीच है। सो यहाँ पहुँच गया हूँ मैं, देखो देखो ज़रा कहाँ पहुँच गया हूँ मैं। ऊपर वाले ने अगर मेरे लिए कोई जन्नत बनाई होगी ना, तो वहाँ समंदर जरूर होगा, बिकॉज यहाँ किनारे पर बेवजह घंटों खड़े रहना, दैट्स माय आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं अपने कमरे के ठीक बाहर हूँ इस खूबसूरत बीच साइड पर, और ये प्राइवेट बीच है इसी खूबसूरत रिजॉर्ट का जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ और अगले 3-4 दिन मैं यहीं पर बिताने वाला हूँ। तो आज की जर्नी जो है बड़ी कमाल की रही। तो सबसे पहले पहुँचा मैं मालदीव्स एयरपोर्ट, क्योंकि दिल्ली से मालदीव्स की डायरेक्ट फ़्लाइट थी। एयरपोर्ट बहुत ही छोटा सा, क्यूट सा था, पहुँचते ही इमिग्रेशन हो गया। मेरे ख्याल से जितने भी इमिग्रेशन मैंने आज तक कराए हैं उसमें से सबसे ईजिएस्ट, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए। और उसके बाद वहाँ से सी प्लेन, यार सी प्लेन का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। मुझे ऐसा लगता था कि यार देखा है जैसे फ़्लाइट में उड़ते हैं वैसा ही तो लगता होगा यार सी प्लेन में भी, लेकिन ऐसा नहीं है। सी प्लेन बहुत बहुत ज़्यादा अलग दिखता है और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है उसका। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मालदीव्स आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि सी प्लेन वाला एक्सपीरियंस आप ले सकें, क्योंकि इट्स डिफरेंट। और उस अमेजिंग सी प्लेन ट्रांसफ़र के बाद मैं पहुँच गया उस खूबसूरत से रिज़ॉर्ट में जहाँ पे मैं अगले 4-5 दिन हूँ। दिस इज़ एन ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट, तो इसके अंदर खाना पीना एक्टिविटीज़ सब कुछ इंक्लूडेड है। इट्स अ 5-स्टार लग्जरी प्रॉपर्टी। तो जो भी यहाँ पर कमाल एक्सपीरियंसेस मुझे होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, वो सब मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा, जहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं हूँ किस रिज़ॉर्ट में और यहाँ पे किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप, एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा है और कमरे कैसे हैं, यानी फुल डिटेल में जाऊँगा मैं इस रिज़ॉर्ट के बारे में। और उसके बाद मैं आपको आगे चलकर ये भी बताऊँगा कि मालदीव्स आने का एक परफेक्ट गाइड क्या होता है। अगर आप मालदीव्स का टूर प्लान कर रहे हैं या हॉलीडे प्लान कर रहे हैं मालदीव्स में, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इतने सारे जो रिज़ॉर्ट्स हैं उनमें से कौन सा चुने, और उनको चुनने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब बातें करेंगे आने वाले एपिसोड में। सो आज के लिए इतना ही। इस खूबसूरत दिन 5 नवंबर 2021 को हमेशा याद रखूंगा मैं, क्योंकि आज बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो इसके पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, चाहे वो किसी फ्लाइट की पहली उड़ान का पहला पैसेंजर बनना हो, या सी प्लेन, या फिर इस 5-स्टार लग्जरी ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट के अंदर कुछ दिनों की हॉलीडे। ऑलराइट, सो मज़ा बहुत आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो विद ऑल दीज थॉट्स, दिस इज़ द टाइम टू एंड दिस एपिसोड।
जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में. अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट. बाय बाय, टेक केयर.